कहानी सुनने के लिए सब तैयार हो? यस मैम। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक बकरी की कहानी। वो पता, वो सोने की क्या करती थी? लेडी। सोने की लेडी जानते हो? बकरी लेडी करती है ना। लेडी मतलब वही जो बकरी का जो गोबर होता है वो लेडी लेडी जैसा होता, तो वो बकरी सोने की लेडी करती थी। तो एक गांव था दीनपुर। तो दीनपुर गांव में एक किसान रहता था। वो बेहद गरीब था। उसकी पत्नी रहती थी। तो दोनों पति पत्नी जो है थोड़ी सी उनके पास खेती थी। तो खेती में कुछ होता नहीं था, तो खेती समझ लिया। वहाँ का जमींदार इतना क्रूर था, वो अपने घरों में ही काम कराता रहता था। वो किसी के पास कोई चीज़ होती थी तो छीन लेता था कि नहीं ये मुझे चाहिए। इस तरह से वो किसी के पास कुछ रहने नहीं था। जमींदार के पास भी जो है कतई दया का कोई मतलब वही नहीं था, कि उसको जरा भी किसी पे दया रहम नहीं आता था। उसके दो तीन लठैक थे, बड़े बड़े पहलवान, जो कि क्या करते थे, जब भी कभी जमींदार बाहर जाता था तो साथ में चलते थे। वो दूसरों की उल्टी सीधी शिकायत भी लगा करके बता देते थे। इससे क्या होता था, जमींदार को क्रोध आ जाता। क्रोध आने का कारण वही था कि सब लोग झूठी शिकायत करते थे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वो जाते जाते जमींदार उनको कठोर सजा सुना देता, कहता तुमको अगर मेरे गाँव में रहना है तो तुम अच्छे से रहो, नहीं तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। तो बच्चों अब बात आती है उस किसान की। तो किसान तो बहुत गरीब था, उसको मजदूरी भी कहीं नहीं मिलती थी, बहुत परेशान। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई बताओ क्या किया जाए भाग्यवान। तो उसने पत्नी बोली कि हम क्या बता सकते हैं, अब बकरियां भी हमारी भूखी हैं, ऐसा करिए आप इनको कहीं से चरा ही लाइए, कम से कम यही घी का पेट भर जाए कुछ हो है। जब पेट भर जाएगा तो चिल्लाएंगे नहीं, रात भर में ये करती रहती हैं। तो अपनी बकरियों को खोल करके वो ले गया एक पड़ोस के खेत में गया, क्योंकि उसके पास तो खेत था नहीं। तो दूसरे खेत में गया, तो दूसरे खेत में जब गया तो वहाँ घास खूब भरी बढ़िया भरी भरी घास थी और बकरियाँ उसमें चरने लगी। वैसे ही उस खेत का जो मालिक दूसरा किसान था, वो दौड़ा धंडा नहीं करके, अरे कौन बकरी चरा रहा है, कौन बकरी चरा रहा है, और वो उसको खदेड़ने लगा। अब भैया किसान ने जब देखा, जो गरीब किसान था वो दौड़ा दौड़ा और अपनी बकरियों को पकड़ करके हाँक के ले आया किनारे, कहा कि भैया ये दोबारा लगेगा, इतना बड़ा डंडा उठा लिए चले आ रहा। तो वो जब तक वो डंडा लेके के करीब में पहुंचता, वो भाग के किनारे आ गया। फिर वो ऐसे ही दूसरे खेत में वहाँ भी भगाया गया। अब बेचारा बहुत हताश परेशान आया, एक मैदान में पेड़ था खूब बड़ा सा, उसी के नीचे बैठ गया। वो चलते चलते इतना थक गया तो उसकी बकरियाँ भी उसी जगह बैठ गई और वो भी अपना मुरैठा उल्ठा खोला बिछाया उसी पे बैठ गया जड़ के पास में, ऐसे करके उंगने लगा और वो सोने लगा। सोने के बाद थोड़ी देर बाद जब उठता है देखता है मेरी बकरियाँ कहाँ गई, अरे मेरी बकरियाँ कहाँ गई, हे भगवान अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ले दे के इतनी पूंजी थी, मेरी बकरियाँ भी कहीं खो गई, अब मैं क्या करूँगा भगवान, तूने ये क्या किया मेरे साथ। इस तरह से वो रोते पीटते यूँ करते कि हे भगवान मेरी बकरी मुझे लौटा दो, कहीं से भी मिला दो। इस तरह से करते करते वो इधर उधर ढूंढने लगा। फिर चलते चलते वो थोड़ी दूर पे गया, देखा एक घास का मैदान था खूब बड़ा सा, उसमें ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हरी हरी घास थी। देखा उसकी, अरे इसे तो मेरी बकरियाँ चल रही हैं। वो इतना खुश हो गया, मजा आ गया उसको देख करके कि हम अपनी बकरी को लेकर के जल्दी जल्दी फिर वो घर गया। तब वो शाम हो गई और उसकी पत्नी ने पूछा क्यों भैया आप तुम कहाँ रह गए थे, तो उन्हें कह रहे मत पूछो अपनी बकरियाँ मिल गई, बस यही बहुत बड़ी बात है। फिर बकरी जल्दी जल्दी से जहाँ पे बकरी बांधता था बांध दिया, चुपचाप सो गया खाना खा पी के, थोड़ा बहुत जो था दोनों लोग सो गए पति पत्नी। अब रात में जब वो उठ करके दोबारा बकरियों को देखता था कि ऐसा तो नहीं कोई बाहरी कोई आ गया है तो बकरी चुरा ले, इस तरह से ध्यान रख के फिर से सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी पत्नी गई वहाँ पे साफ करने के लिए, जगह जहाँ पे बकरियाँ बनती हैं कि जो चारा भूसा जो भी कुछ खाया है थोड़ा बहुत, तो आई हैं तो गंदगी करी होगी, रेड़ी वेड़ी पड़ी होंगी, तो उसको सब साफ वाफ कर दिया। जैसे जब साफ करने की सोची तो देखा कि अरे एक बकरी ने तो सोने की रेड़ी करी है, दूसरी ने भी करी है, तीसरी ने भी करी है। अब बहुत खुश, अरे उसने अपने पति को जगाया कि सुनो ये देखो अपनी बकरी ने तो ये सोने की लेड़ी करी है। उसने देखा कहा कि अरे अब तो लग रहा भगवान मेरे दिन बदल ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप जो है हम इसको सफाई करते हैं, आप इसने की चार लेड़ी लेकर के उसके पास जाओ सुनार के पास और उसको बेच करके आओ, और उससे जो भी पैसा मिले उससे जो है अपने घर के लिए राशन पानी कपड़े लगते जो भी जरूरत की चीज़ें हैं ले आओ। उनका ठीक, वो गया वहाँ। अब सुनार ने पूछा क्यों कहाँ से मिली तुमको ये सोने की लेड़ी, कहाँ से लाए हो, तो गोलियाँ कहाँ से लाए, तुमने कहा तुमसे मतलब कहीं से भी लाए,
तो वो व्यासनार भी ज़्यादा नहीं पूछा उछा, उसने भी सोचा कि पूछेंगे तो कहीं गुस्सा हो गया तो फिर मुझे ना मिले। अच्छा लेड़ी को लेड़ी की शक्ल की नहीं थी, वो बिल्कुल गोली गोली सी लगती थी, पता ही नहीं चलता था कि क्या है, तो सुनार ने भी नहीं ज़्यादा जान पाया। वो फिर उसको खूब सारे पैसे, उसको सोने तो वैसे भी महंगा दिखता है, सुनार ने उसको खूब सारे पैसे दे दिए और वो घर आए अपनी पत्नी से बोला आज तुम भगवान बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाओ, बहुत दिन हो गए खाना ही नहीं ढंग का खाया, भैया ज़्यादा पैसे मिल गए तो फिर खाना तो अच्छा बनेगा, पूड़ी पकवान मिठाई सब बनाया बढ़िया मजे से, रसगुल्ले रसगुल्ले खूब खाए, रसगुल्ले तो सबको अच्छे लगते हैं ना बेटा, तो सबने भैया भर भर के दोनों लोगों ने खूब कस के खाया, रसगुल्ला खाने में मजा आया, बर्फी खाई, पूड़ी खाई, कचौरी खाई, खाए। तो इस तरह से उसके पास रोज रोज जब लोही सोने की लेनी होती वही गोलियाँ और वो बेच के आता, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सब लोग जो लठे उसके थे जमींदार के वो आस पास से निकले भाई, निकले और देखें कि ये तो भैया इसका तो थोड़ा बच्चा बच्चा घर था, बेकार सब था, छोटे फटे कपड़े पहनता, अभी तो बड़ा ठाठ से रह रहा है, बढ़िया मुछा मुछा लगाए है, गर्दन पे लपेटे है, पगड़ी बांधे है, अच्छे से तना हुआ जा रहा है। तो लठैतों ने जमींदार से शिकायत कर दी, कहा कि आपके वहाँ पे ये रहता है किसान, इसको देखो कितना अमीर हो गया। तो अच्छा भाई जमींदार को क्रोध आ गया, मुझसे भी ज़्यादा कोई अमीर हो गया, और लठैतों ने जो उसके पहलवानों ने ऐसे शिकायत लगाई कि एक दिन देखिएगा जमींदार साहब को तो उनसे भी ज़्यादा अमीर बन जाएगा, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके पास पता नहीं कहाँ से धन आ रहा है, वो इतना बढ़िया घर भी बना लिया, ठाठ से रह रहा है, और वो बकरी वाला किसान, अच्छा वो बकरी वाला किसान जो हमसे हमेशा सलाम करता था, चलो उसको बुला के ला, और उसको भाई बुला के लाया, उसकी पत्नी भी वो पीछे पीछे भी डर गई कि क्या है वो। तो जमींदार ने कहा क्यों कैसे तुम्हारे पास इतना सोना आया, तो जो है सोने को पूछा, तो अब पूछ करके वो वहाँ पे उसको सजा देने की सोची, अब बहुत परेशान कि क्या कहूँ क्या, बहुत नानुकूल करी, मैंने कहा तुमको मैं ऐसा पिटाई लगवाऊंगा, ऐसा पिटाई लगाऊंगा कि तुम सारे वो भूल जाओगे, यहाँ से निकलो जाओ। पत्नी उसकी बहुत घबराती, अरे जमींदार साहब इसको मारिए नहीं, मारिए नहीं, और आराम से बता देंगे सब। तो भाई उसने अपनी सब चीज़ें बता दी और क्या कहा, कहा कि अब तुम्हारी बकरियाँ मेरी हुई। अब पत्नी उसकी बहुत गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि अगर ये बकरियाँ ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत रोई गिड़गिड़ाई। लेकिन जमींदार क्योंकि वो क्रोधी बहुत होता था, सब पे बहुत क्रोध वाला मनुष्य था, उसने जो है कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको लठैतों से इतना पिटवाएंगे कि तुम्हारी जान निकल जाएगी। लेकिन अब पत्नी मजबूर हो गई कि भाई हमारे पति की जान चली जाएगी, अच्छा बकरियाँ दे ही दो, और बहुत मेहनत करके उसने जान उसकी बचाई और बकरियाँ लेकर के घर से उसको दे दी, जमींदार को बकरियाँ दे दी। अब भाई आराम से हैरान परेशान कहा मेरी जादू की बकरी चली गई, घर आया तो बड़ा परेशान, बोले कोई बात नहीं परेशान मत हो, ये देखिए कुछ पैसे मैंने बचाए हुए रखे थे, आप ऐसा करो, उसने दिमाग लगाया पत्नी ने, कहा कि ऐसा करो आप दूसरी बकरियाँ ले आओ, दो ही बकरियाँ खरीद लाओ उस पैसे से। तो वो गया खरीद लगे, अरे भगवान क्या करेंगे हम, बकरी तो खरीद लाएंगे लेकिन और तो कुछ मिलने वाला नहीं हमको है, अगर मिलेगा नहीं तो कैसे करेंगे, है ना कैसे करेंगे, खर्चा ही नहीं चलेगा। कह रहा था कमाल तो फिर जादू वाली घास का है, ठीक है कमाल तो जादू की घास का है, बकरी का कोई कमाल नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ये बात है, फिर वो वही बकरी ले करके गया और वहाँ से बकरियों को चरवा करके लेके आया और क्या हुआ, फिर देखा सुबह बांध दी वहीं पे, अरे वाह फिर सोने की लेगी। इस तरह से उसको फिर मिलने लगी, उसने क्या किया वहाँ का घर बार सब बेच दिया और दूसरे शहर में जाकर के रहने लगा, आराम से जीवन बिताने लगा, और वो अमीर भी हो गया और ईमानदार भी रहा, इस तरह से अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने लगा, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं रहा। तो बच्चों आज की कहानी यहीं फिनिश होती है, कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, ठीक है।